अल्हम्दुलिल्लाह, वसलत वसलम अला रसूलिल्लाह। नमाज में सफ़े सीधी करना और मिलाना वाजिब है सवाल किया गया है को फ़रमान है जो शख्स सफ़ मिलाए अल्लाह इज़्ज़त उसे मिला देता है ईद नमाज़ में हम देखते हैं कि एक से ज़ायद सफ़ों में खाली जगह पड़ी होती है जहाँ तीन नमाजी भी खड़े हो सकते हैं तो ऐसे ख़ाली जगह पुर किए बग़ैर छोड़ देने का क्या हुक्म है अलवा ब्या सुबहान त नमाज में सफ़बंदी और सफ़ें बराबर करना वाजिब है नीज़ ये हुक्म नमाज ईद या दी तमाम नमाजों के लिए है इसमें कोई फ़र्क नहीं है सफ़बंदी में ये भी शामिल है कि सफ़े दरमि से खाली ना हों बल्कि मुतसिल हों चुनाँचे अबूदाउद हदीस नंबर ट्रिपल सिक्स में अब्दुल्ल बमर रज़ीम कहते हैं रसूल अक्रम सम ने फ़रमाया सफ़ें सीधी करो अपने कंदों को बराबर करो खाली जगह पुर करो और अपने भाइयों के लिए नरमी अपनाओ शैतान के लिए खाली जगह मत छोड़ो सफ़ मिलाने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिलाता है और सफ़ तोड़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तोड़ देता है इसे अलामामा अलबानी राम्ला ने सही करार दिया है सही मुस्लिम हदीस नंबर फोर थ्री जीरो में जाबिर बिन समी से मरवी है कि हमारे पास रसुलकरम सशरीफ लाए और फरमाया तुम ऐसे सफ़बंदी क्यों नहीं करते जैसे फ़रिश्ते अल्लाह के यहाँ सफबंदी करते हैं तो हमने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल फ़रिश्ते अल्लाह के यहाँ कैसे सफ़बंदी करते हैं तो आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने फ़रमाया वो पहले अगली सफ़े मुकम्मल करते हैं और सफ़ों में ख़लल नहीं छोड़ते इसी तरह अबू दाऊद हदीस नंबर सिक्स सेवन वन और नसाई हदीस नंबर एट वन एट में अनसबिन मालिक रजी अल्लाह कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अक्रम वसल्लम ने फ़रमाया पहले अगली सफ़े मुकम्मल करो और फिर उससे मुतसल बाद वाली अगर किसी सफ़ में कमी हो तो वह आखिरी सफ़ में हो इस हदीस को अलबानी रहीमल्ला ने सही अबूद वगैरह में सही करार दिया है अलबाजी रही कहते हैं पहले अगली सफ़ों को मुकम्मल करना वाजिब है चुनानचे नक्स सिर्फ आखिरी सफ़ों में होना चाहिए रेफरेंस के लिए देखिए अलमनत शरमाती जिल्द नंबर एक सफ़ा नंबर तीन सौ छियासी इसी तरह अमसवातुलफिया जल्द नंबर छत्तीस सफ़ा नंबर सताइस में है कि सफ़े सीधी और बराबर करने में ये भी शामिल है कि पहले अगली सफ़ों को मुकम्मल किया जाए और दूसरी सफ़ उसी वक़्त शुरू की जाए जब पहली सफ़ मुकम्मल हो जाए इस पर तमाम फुका है, कराम का इतफाक़ है चुनानचे इस बिना पर अगर सामने वाली सफ़ों में खाली जगह मौजूद है तो नई सफ़ न बनाई जाए या पिछली सफ़ में भी खड़ा न हुआ जाए बल्कि सफ़ों को चीरते हुए खाली जगह तक इंसान पहुँचे और उसे पुर करे शेख नबाज रही से पूछा गया अगर नमाज तरावी या कयाम में नमाजियों के चले जाने की वजह से सफ़ों में खलल पैदा हो जाए तो क्या इमाम दूसरी सफ़ में मौजूद लोगों को पहली सफ में आने का कह सकता है तो शेख रही का जवाब था नमाज बाज़त फ़र्ज हो या नफल पहले अगली सफ़ों को मुकम्मल करना वाजिब है क्योंकि नबी सलासलम ने अगली सफ़ों को पहले मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया है और तरगीब भी दिलाई है जैसे कि रसूल रसुलकरम सल्हुस का फरमान है तुम इस तरह सफबंदी क्यों नहीं करते जिस तरह अल्लाह के यहाँ सफबंदी करते हैं तो हमने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल अल्लाह के यहाँ कैसे सफबंदी करते हैं तो आप सल्हुस ने फरमाया वो पहले अगली सफ़े मुकम्मल करते हैं और सफ़ों में ख़लत नहीं छोड़ते रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फ़ताबा इबनबाज़ जल्द नंबर तीस सफ़ा नंबर एक सौ चौबीस ता एक सौ पच्चीस शेख इबन उसमिन राहुल्ला कहते हैं इमाम की जानब से नमाज ईद और इसका में नमाजियों से सफ़े सीधी करने का मुतालबा करना इसी तरह दुरुस्त है जैसे दीगर नमाजों में दुरुस्त है इसकी वजह यह है कि अगर लोगों को इस बात की तंबी न की जाए तो सफ़े सीधी करने से गाफिल रह सकते हैं लिहाजा जिस नमाज को बाजुमात अदा किया जा सकता है उस नमाज में इमाम मुक्तियों को सफ़े सीदी करने का कह सकता है रेफरेंस के लिए देखिए लिखा उलबाबल मफ्तूह जल्द नंबर नौ सफ़ा नंबर छियालीस इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि सफ़ें अच्छी तरह सीधी और मिलाने के बारे में बहुत से इमाम और मकतदी सुस्ती का शिकार हैं आपको नज़र आएगा कि सफ़ों में खाली जगह पड़ी होती है लेकिन कोई उसे पुर नहीं करता यह तरीका गलत है क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने सफ़ों में खाली जगह पुर करने का हुक्म दिया है और ये भी बतलाया है कि फ़रिश्ते अल्लाह के यहाँ सफ़बंदी करते हुए ख़ाली जगह भी पुर करते हैं रेफरेंस के लिए देखिए फतावा नोरुन अल दरब अज़न उसैमीन जिल्द नंबर ग्यारह सफ़ा नंबर एक सौ इकसठ ताहम अगर सफ़ में जगह खाली मौजूद हो और उसे पुर किए बगैर नमाज अदा कर लें तो उनकी नमाज़ सही है लेकिन उनका यह अमल अच्छा नहीं हाफिज़ इबन हजर रहिमहुल्लाह कहते हैं सफ़बंदी वाजिब होने के बावजूद सफ़बंदी न करने वाले की नमाज़ सही है रेफरेंस के लिए देखिए बारी जिल्द नंबर दो सफ़ा नंबर दो सौ दस والله تعالى أعلم إسلام QA Recordings مؤسسة الشيخ محمد صالح المنجد المملكة العربية السعودية فتوى نمبر 158560 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته